इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह। शेर की दहाड़ सा जोश था जिसमें वह थे भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे भगत सिंह। आज भी जो रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचारों के धनी थे भगत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा भारत के एक ऐसे वीर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है भगत सिंह। वह भारत के एक बहादुर सेनानी और क्रांतिकारी थे। वह सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे जिन्हें मात्र 23 साल की उम्र में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। तो आइए दोस्तों, हम भगत सिंह जी के जीवन को विस्तार से जानते हैं। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को बाग गांव, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में आता है। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह संधु और माताजी का नाम विद्यावती था। भगत सिंह जी का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। वे करतार सिंह सराबा और लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते थे। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को उन्होंने एक नई दिशा दी थी। भगत सिंह जी ने चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य लोगों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहादुरी व साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। मात्र 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह जी के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला था। भगत सिंह जी ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। भगत सिंह जी लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों शोरों पर थी। उन्होंने अपने देश प्रेम के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वे आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे। उन्होंने अपने कॉलेज के साथियों को भी देश की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया, तब भगत सिंह इस आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। इस बीच उनके घर वाले भगत सिंह जी की शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वे शादी से बचने के लिए घर से भागकर कानपुर चले गए थे। सन 1921 में चोरा चोरा हत्याकांड में गांधी जी द्वारा किसानों का साथ न दिए जाने पर भगत सिंह जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को पैसेंजर से काकोरी नाम के छोटे से स्टेशन से उन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस कांड को अंजाम उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर दिया था। सन 1928 को लाहौर में उन्होंने एक अंग्रेजी अफसर को राजगुरु के साथ मिलकर मार दिया था। भगत सिंह जी का एक शक्तिशाली नारा इंकलाब जिंदाबाद, जो भारत के सशस्त्र संघर्ष का नारा बन गया था। फिर उन्होंने बाद में सन 1929 को ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम और पर्चे फेंके थे। इस घटना के बाद भगत सिंह जी को और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भगत सिंह जी खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, इसलिए आगे चलकर उनके नाम के आगे ये जुड़ गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके चलते उनको फांसी की सजा सुना दी गई। जेल में उन पर अत्याचार होते रहे। ना अच्छा खाना मिलता, ना अच्छा पानी मिलता, ना पहनने को अच्छे कपड़े मिलते थे। अंग्रेज पुलिस भी उन्हें मारा करती थी। उन्होंने कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए जेल में ही आंदोलन शुरू कर दिया। भगत सिंह जी एक क्रांतिकारी देशभक्ति नहीं बल्कि एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति दो अखबार के साथ साथ कई पत्र पत्रिकाओं के लिए भी लिखा व संपादन किया था। भगत सिंह जी करीब 2 साल जेल में रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने विचार व्यक्त करते रहे थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये एक लेख उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था, जो 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने इस लेख में भगवान पर कई तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए थे, जैसे मनुष्य का जन्म, संसार का निर्माण, मनुष्य की संसार में दीनता, उसके शोषण, ये सब उनके लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में थे। इसके बाद 23 मार्च 1931 को भारत के राजनीतिक नेताओं द्वारा दबाव और कई अपीलों के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, भगत सिंह जैसे महान हस्ती के बलिदान के लिए पूरा भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आज की सभी नई पीढ़ी उनको अपना प्रेरणा मानती है। उनकी देशभक्ति को देख उनकी कहानी देश विदेश में चर्चित है। हम ऐसे देशभक्त को सर झुकाकर नमन करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो,
कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।